सोच सिर्फ नज़रिए का। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत पैसा था और उसे इस बात पर बहुत नाज भी था। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। आंखों में बुरी तरह जलन होती थी। वह डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। सेठ के पास बहुत पैसा था। उसने देश के बहुत सारे नीम हकीम और डॉक्टर को बुलाए। फिर उन्हें एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंखों में एलर्जी है, आपको कुछ दिन तक सिर्फ हरा रंग ही देखना होगा। कोई और रंग देखेंगे तो आपकी आंखों को परेशानी होगी। अब क्या था, सेठ ने बड़े बड़े पेंटरों को बुलाया और पूरे महल को हरे रंग से रंगने के लिए कहा। वह बोला, मुझे हरे रंग के अलावा कोई और रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं जहाँ से भी गुजरूँ हर जगह हरा रंग कर दो। इस काम में बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन फिर भी सेठ की नज़र किसी अलग रंग पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि पूरे नगर को हरे रंग से रंगना संभव ही नहीं था। सेठ दिन प्रतिदिन पेंट कराने के लिए पैसा खर्च करता जा रहा था। एक दिन शहर का एक सज्जन पुरुष वहां से गुजर रहा था। उसने चारों तरफ हरा रंग देखकर लोगों से कारण पूछा। सारी बात सुनकर वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है। आप हरा चश्मा क्यों नहीं खरीद लेते, फिर सब कुछ हरा हो जाएगा। सेठ की आंख खुली की खुली रह गई। उसके दिमाग में यह शानदार विचार आया ही नहीं। वह बेकार में इतना पैसा खर्च किए जा रहा था। दोस्तों, जीवन में हमारी सोच और देखने के नज़रिए पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कई बार परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी हम परेशानियों में फंसे रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अलग करें।